9th क्लास किया। जैसा कि आपको याद होगा पिछले दिन हम लोग देखा था कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, कौन कौन से स्थिति में वाष्पीकरण प्रभावित होती है, अर्थात वाष्पीकरण की क्रिया कैसे प्रभावित होती है। तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि उसमें एक बात तो है कि जब सतह का फैलाव अर्थात क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो हम देखते हैं कि वाष्पीकरण की क्रिया तेज हो जाती है। इसके लिए उदाहरण हम लोग देखते हैं कि समान वजन का सूती कपड़ा है और दो कपड़ा है, दोनों को जल में भिगा देते हैं और एक को फैला कर रखते हैं और दूसरे को बगैर फैलाए उसको घोट करके रख देते हैं, कहीं भी रखें, कमरा में रखें, कमरा से बाहर रखें। तो हम देखते हैं कि जिस कपड़ा को फैला के रखे हुए हैं वो जल्द सूख जाता है और जिसको फैला कर नहीं रखे हैं, जिसको गोट रख दिए हैं, उसको सूखने में देर लगता है। तो स्पष्ट हो जाता है कि वाष्पीकरण की क्रिया जो है सतह के फैलाव पर निर्भर करती है। एक दूसरा कारक देखा हम लोग कि वाष्पीकरण को प्रभावित करती है तापमान। जैसे कि कपड़ा है, दोनों कपड़ा भीगा हुआ है, दोनों सूती है, एक को धूप में डालते हैं और एक को कमरा के अंदर डालते हैं, तो हम पाते हैं कि जिस कपड़ा को धूप में डाला जाता है वो जल्द सूख जाता है और जिसको कमरा में डाले हुए हैं वो देर से सूखता है। तो स्पष्ट हो जाता है कि कमरा के बाहर धूप, धूप में तापमान अधिक है तो तापमान अधिक होने से वो पहले सूख गया। जो कपड़ा कमरा में डाले हुए हैं छाया में तो कमरा का तापमान बाहर के तापमान से कम है तो ये देर से सूखता है। तो स्पष्ट हो जाता है कि तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती और तापमान घटने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। एक और बात है, एक और कारक है आर्द्रता। हम लोग देखते हैं कि बरसात के दिनों में वायुमंडल आर्द्र होता है, अर्थात उसमें वाष्प, जल वाष्प का कण अधिक होता है तो बरसात के दिन में कपड़ा देर से सूखता है। लेकिन अगर आर्द्रता कम है वायुमंडल में अर्थात वायुमंडल शुष्क है तो उसमें कपड़ा जल्द सूख जाता है। तो स्पष्ट हो जाता है कि आर्द्रता में कमी होने से कपड़ा जल्द सूखता है, अर्थात आर्द्रता अगर कम है वायुमंडल में तो वाष्पीकरण की क्रिया जो है तेज होती है। और एक और कारक है वायु की गति। अगर वायु गतिशील है
तो वाष्पीकरण की क्रिया जो है तेज होती है, और वायु अगर स्थिर है तो उसमें वाष्पीकरण की क्रिया धीरे धीरे होती है। अब देखना है हमको कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे उत्पन्न होती है। जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो उससे शीतलता कैसे उत्पन्न होती है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो जैसा कि आपको जानकारी है कि खुली बर्तन में जब हम जल रख देते हैं, तो जैसे प्लेट है, प्लेट में हम लोग जल रख दिया और छोड़ दिया उसको, चाहे वह छाया में ही क्यों ना हो, लेकिन एक दिन दो दिन के बाद हम देखते हैं कि प्लेट का जल जो है सूख गया है। होता क्या है, खुली बर्तन में जब द्रव को रखते हैं तो वाष्पीकरण की क्रिया होती है, और वाष्पीकरण की क्रिया के लिए हम जानते हैं कि उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता। वाष्पीकरण की क्रिया के लिए उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब है कि द्रव है बर्तन में रखी हुई है और वाष्पीकृत हो रहा है, तो उष्मा ऊर्जा लेगा अपने इर्द गिर्द से, अगल बगल से, मैंने पर्यावरण से लेगा, और जहां से ये ताप को अवशोषित करता है उस क्षेत्र में उष्मा ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसलिए कि जो ताप उसमें था उसका अवशोषण हो गया द्रव के वाष्पीकरण में, और जहां से ताप खर्च होता है वहां ताप की कमी हो जाने के बाद वहां माने शीतलता उत्पन्न हो जाती है, उस क्षेत्र जो है ठंडा हो जाता है। यही वजह है ना, जैसे कूलर है, कूलर, कूलर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं गर्मी के दिन में ये कमरा को ठंडा करने के लिए, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि फैन लगा, जल का फव्वारा जो है फेंका जाता है और फैन को गतिशील कर दिया जाता है ताकि वाष्पीकरण की दर जो है तेज हो जाए। अब जल का फव्वारा जल के कण के रूप में होता है, तो अब उसको अब वाष्पीकृत होने के लिए अगल बगल अपने पर्यावरण से ताप खर्च करता है, और पहले जो समीप है फव्वारा के इर्द गिर्द में जो समीप का क्षेत्र है पहले वहां का ताप खर्च होता है, और इस तरह से उसके बगल का ताप, उसके बगल का ताप, और इस तरह से जो है पूरे कमरा का ताप जो है खर्च हो जाता है जल को वाष्पीकृत करने में, और पूरा कमरा का ताप जो है कम हो जाता है, अर्थात पूरा कमरा के शीतलता जो है उत्पन्न हो जाता है। अब एक प्रश्न है कि गर्मी के दिन में हमें सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई शारीरिक प्रक्रिया होती है तो उससे पसीना निकलता है, और सूती कपड़ा की ये विशेषता है कि ये पसीना को अवशोषित कर लेती है। अब कपड़ा भीग गया पसीना से, ये पसीना क्या है, जल है, नमक है, ये मिला हुआ होता है पसीना में, जल और नमक। अब कपड़ा जब भीग जाता है तो जीव ही ये वायुमंडल के संपर्क में आता है, उसके
वाष्पीकरण की क्रिया जो है शुरू हो जाती है। अब है कि वो जो है वाष्पीकृत होने के लिए ताप कहाँ से लेगा, तो अगल बगल से लेगा। शरीर सबसे पहले शरीर के बगल का जो क्षेत्र है, अगल बगल का जो क्षेत्र है, वहीं का ताप खर्च होता है। और जहां का ताप खर्च होता है पसीना को वाष्पीकृत करने के लिए उस क्षेत्र में जो है ठंडी पैदा हो जाती है, मतलब शीतलता पैदा हो जाती है, शीतलता उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए जो है हमारे शरीर में ठंडक का एहसास होता है, शीतलता का अनुभव करते हैं हम। यही वजह है कि हम गर्मी के दिन में सूती कपड़ा पहनते हैं।